पहले आप अपने स्क्रीन पे चल रही एक वीडियो को देखिए। अब आप देख लिए होंगे कि वीडियो में एक लड़की जो है एक व्यक्ति को लगातार थप्पड़ जड़ रही है और उनका कलर भी पकड़ी हुई है। और वीडियो में जिस भाई साहब को पिटाते हुए आप देख रहे हैं वो भाई साहब हमारे सामने मौजूद है। यही वो शॉट है जिस शॉट में इनका वीडियो है और फटा हुआ ये शॉट है। अब हम इनसे जानेंगे कि आखिर वो लड़की कौन है जो भरे बाजार में इनका कॉलर पकड़ करके इनको घसीट घसीट के मार रही थी। ये तमाम जानकारी हम बताएंगे। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार सर। अच्छा, सबसे पहले बाजार में बताइए, बाजार में वो लड़की आप ही को मार रही थी जी? क्यों मार रही थी? कौन है वो लड़की? वो हमारा मेहरारू है। आपकी पत्नी है जी? यानी कि आपकी पत्नी आपको भरे बाजार में मार रही थी? क्यों मार रही थी? हम लोग गए थे तारीख पर गए थे, हमारा बहस था 10 तारीख को। अच्छा, आप लोग का केस भी चलता है? क्या चीज का केस चलता है? वही वो केस चलता है, वो बोलती है हम नहीं रहेंगे, चाहे वो भी नहीं बोल रहे हम भी नहीं बोल, हम तो बोल कभी नहीं बोल रहे कि हम नहीं रखेंगे। अच्छा, और रहती नहीं है यहाँ पे। माने कि आप कहते हैं कि हमको उसको रखना है और वो कहते हैं कि हमको रहना ही नहीं है। इसका केस चलता है? 10 तारीख को तारीख था, आप तारीख पे कोर्ट में गए थे, फिर कोर्ट में गए तो क्या हुआ? बहस हुआ हम लोग का, तो वहाँ से केस को हटा दिए, जज साहब हटा दिए कोर्ट को, केस को हटा दिए, दूसरा कोर्ट में भेज दिए वहाँ पर। तो जब हम लोग बाहर आए तो हम लोग जब घर आ रहे थे तो मैं बाइक निकाल रहा था वो कोर्ट के अंदर से, तो गेट से अभी थोड़ा अंदर था तब तक वो उसका माँ और वो आकर के हमारा कॉलर पकड़ लिया, पकड़ के लगा मारने वहाँ पे। यानी कि आपकी सास और आपकी मेहरारू दोनों आदमी मारने लगा कोर्ट के अंदर ही आपका कॉलर पकड़ लिया। फिर वहाँ पे भीड़ भी लग गया, फिर वो लोग मारने लगा, ये फट गया इधर से, ये पूरा बटम वटम तोड़ दिया, इधर फाड़ दिया। उसके बाद से हम थाना में खबर दिवाए तो वहाँ से थाना आए, थाना मेरे को लेकर के गया। अब वो लोग बहुत मारा है, पूरा मेरा फूल गया था, यहाँ ही पूरा फूल गया था पूरा। यानी कि आपको इतना मारा लो कि आपका एकदम पूरा चेहरा बिगाड़ दिया, कपड़ा भी फाड़ दिया। आपकी सास और आपकी मेहरारू दोनों मार रही थी। अच्छा, क्या कारण है कि आप लोग केस मुकदमा में कहे पहुँच गए? हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? वो तो केस वो की है तो हम लोग कहाँ केस कर दिए? कहे के लिए केस किया है? अभी कहे केस किया है दहेज के लिए। हाँ, जो नहीं रखना चाहता है। हाँ जी। और आप रखने के लिए तैयार हैं? हम तो तैयार, पहले से तैयार थे, तो अभी क्या रखें? अभी उसको बताइए जो अभी क्या रखें उसको। अभी जो टाउन में जो आदमी नहीं छोड़ा हमको तो हम अकेला के कहीं छोड़ेगा? कहीं दादी को फंसेड़ी लगा दिया तब। हाँ। चाहे अपने लगा लिया तो हम क्या करें? नहीं लगा के मरेगी। हाँ? उसको लगाना होता तो महाराज आपको थोड़े मारती बाजार में। तो सर चलिए मान लीजिए हमारे को क्या विश्वास की हमको छोड़ेगी वो, मैंने आपको लटका भी सकती है, डर तो है। ये भाई साहब है, देख सकते हैं ये फटे कपड़े में, ये भाई साहब है जिनके केस की सुनवाई 10 तारीख को कोर्ट में थी, लेकिन जज साहब जब केस से कन्फ्यूज होकर के इनके केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए, तब इनकी पत्नी जो है भौकाल रूप धारण करके बड़े बाजार में इनका कॉलर पकड़ के और घसीट घसीट के इनको मारना शुरू कर दिए। अच्छा, जब फिर वहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, वीडियो वायरल भी हुआ, फिर अभी आपकी पत्नी कहाँ है? अभी अपने घर पे। अच्छा, वो क्या कहती है कि हमको कहाँ नहीं रहना, क्या कहती है वो? अभी तो वहाँ पे थाना पे बोल रही थी कि जे हम इसको, हम मेरे को बोल रही थी अपने घर लेके जाएंगे, आपको लेकर जाएगी वहाँ पे, यहाँ खाई लाना बा। अब बताइए, अब कहीं अभी हो सकता है वो बाजार में तो इतना हो गया, अब घर जाएंगे तो पता नहीं क्या होता है वहाँ पे, इसलिए कि जो भरे बाजार में आपका उतना तगड़ा व्यवस्था की तो अपने नैहर में बुला के आपका काम भी खत्म करवा सकती है, पता नहीं था कि वहाँ पे क्या लिखा था। अच्छा, आपको उसको रखना है कि नहीं रखना है? अभी पहले तो कहते थे लेकिन अभी नहीं रखेंगे, पहले रखने के लिए तैयार थे थाना से लेकर के महिला थाना तक, अभी कोर्ट तक कहते थे लेकिन अभी नहीं रखेंगे, अभी तो फांसी पर सीधा जाएंगे। रखना नहीं है उसको? नहीं रखना, अब नहीं रखना, नहीं रखना, कहे नहीं रखना है, कहे नहीं रखना है। अब सुनिए, कहे नहीं रख, अब जब मरना ही है तो फांसी पर मर जाएंगे तो वो सही रहेगा, दुनिया का लोग बोलेंगे जो सही इंसान था, अभी कहीं वो मुँह आएगी तो बोलेंगे बड़ी कचरा था वो, वो तो मुआ देगी, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं, पूरा इज्जत तार तार कर देगा। बस हो गया। पहले शादी हुआ आपका? अभी तो 7 साल होने वाला है, नवंबर आएगा तो 7 साल, शादी का 7 साल होने वाला है। 7 साल में आपकी पत्नी यहाँ कितना दिन रही है? अरे मुश्किल से, मतलब समझ लीजिए साल भर रही है। बच्चा उच्चा है कि नहीं? एक लड़की है। एक लड़की है, लड़की कहाँ रहती है? अभी तो हमारे घर थी यहाँ पे, चार महीना के बाद वो लेकर के चली, वो फेंक करके चली गई अपने घर, और उसको यहाँ पर फेंक करके चला। अच्छा, जो वीडियो बाजार से वायरल हो रहा था जिसमें आपकी सास और आपकी मेहरारू आपको मार रही थी, उसमें एक बड़ा ब्लेम आपके ऊपर लगा कि ये जो हमारे जो पति है ये अपना भौजाई के साथ रहेला। हाँ, इसमें सच्चाई तो यही है कि जो आप भी, आपके ऊपर भी हम इल्जाम लगा सकते हैं। कोई सबूत है आपके पास? क्या इल्जाम लगा दीजिएगा मेरे ऊपर? नहीं, मैंने आपको, मैं एक बता रहा हूँ, देखिए फंसाने के लिए बहुत तरीका है,
सुनिए वो इसलिए कह रही थी कि जब जब थाना से हमारा काम नहीं हुआ, महिला थाना से काम नहीं हुआ, सब जगह भगाया जाता है, तो अब कौन सा रास्ता बचा हुआ, फंसाना ही वाला बचा हुआ है, यही बस इज्जत को खत्म करना, बस यही रास्ता, हाँ यही रास्ता है, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं। पिछले 7 साल से जब से शादी हुआ था आपकी पत्नी कुछ दिन यहाँ रही, बाकी नैयर में रहती है, फिर किसके सहारे रहती है वहाँ पे, वो किसके सहारे रहती है? अब तो वही बताएगी जी किसके सहारे रहती है, हम क्यों बताएंगे, हमको हमारे पास कोई उसका जवाब नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं। मान लीजिए वो रहती है वहाँ पे तो हम कैसे बताएंगे, हम कोई वीडियो कैमरा नहीं लगाए हैं ना सीसीटीवी, जो हम देख रहे हैं जो वो क्या कर रही है नहीं कर रही है, क्या खा रही है नहीं खा रही है, क्या बोल रही है? वो यहाँ पर चपरासी अपना बैठा के गई है, तो यहाँ का लोग सब लोग वहाँ खबर चौंपा देता है, हम देवर के साथ में रहते हैं, हमारे साथ रहती है, अब यहाँ से ये गया है 4 दिन सोने के लिए, तो वो भी वो देख ली है कि सोने के लिए गया है कि काहे के लिए गया है, माने यहाँ का एक एक पल का अपडेट उसको पता होता है। अच्छा आप उसके बारे में, आप इनके भाभी हैं, आप पे ही आरोप लगाया कि आप अपने देवर के साथ रहती हैं, हमारे अच्छा काहे ऐसा आरोप लग गया, काहे आरोप लग गया, अब का कीजिएगा, बिगड़ल आदमी बिगड़ल ना सोचेगा कभी भी, अब यही सोचिए ना कि वो किसके सहारे रहती है, आप बोले है ना, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी दादी हमसे पूछिए कि वो किसके सहारे रहती है, उसका बाप है ऊख का जूस पेरता है, फल का जूस पेरता है, अब सोचिए कि वो कितना पैसा कमाता है कि 4 लाख 3 लाख रुपया अपने बेटी में भी लगा ली है, अभी भी लगा रही है, आ उसके बाद से 5 बहन का खर्चा, वही बोली है कि 5 बहन का खर्चा हमारा बाप उठाता है, 5 बहन उसका खर्चा उठाता है उसका बाप, तो फिर वो कितना पैसा कमाता है, पूरा परिवार चलाता है, फिर पटना में सब बेटी को शादीशुदा, सब बेटी शादीशुदा है, एगो खाली कुंवार है, सबका खर्चा वही चलता है, आप सोच लीजिए कि वो कितना इज्जतदार है, आखिर सब बहन नहियरे में रहते। अच्छा 7 साल शादी का हो गया, आपकी दादी यहाँ पे कितना दिन रही है? अब तो वही बोल रही है कि हम 3 महीना रहे हैं, 2.5 साल के लड़की है, अब उसी का कहा हुआ सोच मानिए ना, मैंने 3 महीना ससुराल में रहा, 2.5 साल की बेटी हो गई, 2.5 साल के बेटी हो गई, 8 साल से वो अपने मायके रह रही है, कैसे हो गया फिर बच्चा कैसे हो गया, वहाँ का पुलिस बोला है कि तब तुम्हारा बाप का है कि तुम्हारा भाई का बच्चा है, बोल भोसड़ी जल्दी बोल, ऐसे बोला है पुलिस, उसको सर माना चाहिए, चिरुआ भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। अच्छा आप पे आरोप लगा दी कि बोल रही है थाना पुलिस पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोल रही है जदी बखरौर, उसका घर जदी बखरौर है, वहाँ क्या नैहर है उसका, हाँ नैहर है, ससुराल यहाँ हमसे कोई पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो सबसे पहले हमारे मुंह से निकलता है कि मथुरापुर, तो शादी यहाँ हुआ तो घर यहीं ना हुआ, अब हमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो हम बोलेंगे कि बेलसण है, हाँ आके हम बोलेंगे कि हमारा ससुराल में पति है, जहाँ घर है वहाँ पे वही ना बताएंगे। अच्छा इतना 7 साल में कुछ दिन यहाँ पे रही है, बाकी सारा दिन नैहर में रहती है, तो क्या कारण है कि दोनों लोग में लड़ाई झगड़ा होता है? हम तो 10 साल हैं, तो हमारे ऊपर कोई एथिए नहीं डाला है, यहीं पर दूसरे कोई तीसरा कोई सब लोग है, आप पूछ सकते हैं कि हम कितना गलत आदमी है, हम पूछ लेंगे, लेकिन इनकी पत्नी यहाँ पे नहीं रहती, वहाँ पे क्यों रहती है? आपको भी देख के मालूम चलता होगा, वहाँ पर रहती है, आप जानते हैं कि यहाँ पर तो ये विदेश रहता है, यहाँ पर तो उसका बनता नहीं है, 8 दिन पर चोर घुसता था घर में, चोर पकड़ा भी गया था, तो नैहर में रहेगी तो छूटा कजूना चरेगी, बनोई के साथ में रहेगी, बनोई के भाई के साथ में रहेगी, साउंड डाला के ऑपरेटर के साथ में रहेगी, वही खुद अपना मुंह से बोलिए कि साउंड डाला से हम बात करते हैं, दीदी अपना मोबाइल दीजिए, सारा डिटेल उसके बारे में बताई थी हमसे, और हमारे मोबाइल से बात भी की थी उससे, बात भी की थी, हम सब रिकॉर्ड रखे थे, तब तक ले कहा कि उसको मालूम चल गया कि इसमें मेमोरी है, मेरी मेमोरी निकाल के आतुर तार के फेंक दी, पता नहीं कहाँ गायब कर दी वो मेमोरी, पूरा आज तक नहीं मिला, यानी कि आप सब चीज जानते हैं कि उसका नाजायज संबंध भी किसी किसी के साथ है, वो तो हम जानते हैं, अब बताइए मान लेते हैं हम आप दोस्त हैं, हम अपना दिल के बात आपको बता सकते हैं, आप भी अपना दिल के बात बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं ना जानते हैं कि एक दिन हम दीदी को आपको खराब बोलेंगे तो आप हमको भी खराब बोलिएगा, ऐसा तो हो सकता है ना, तो हम तो नहीं बोले हैं, हम बहुत उसका बात छिपा के रखे हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, घर का बात है इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि एक बेटी हम भी पैदा किए हैं, हम किसी के बेटी की इज्जत नहीं उछाल सकते हैं, वो पैदा की है, अब उसका चोदल जमल नहीं होगी तबे ना वो उतनी इज्जत दूसरे किसी के बेटी के उछाल रही है, तो उसको इज्जत उछालने से कहा हमारा हस्बैंड नहीं रखेगा।